गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस यहाँ पे दोपहर के 3:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था और मैं अपने बालों में क्रिम्पिंग करी थी, जो कि मैं आपको इससे पहले दिखाई किस तरीके से मेरे हेयर हैं अभी, क्योंकि मैं शैम्पू नहीं करी हूँ। और कभी भी क्रिम्पिंग करो ना, तो शैम्पू जब करो तब भी वो आपके हेयर स्ट्रेट होते हैं। एंड अभी मैं जा रही थी अपनी ड्रेसिंग की सफाई करने, तो बस सारे सामान ऊपर वाला निकाल ली थी मैं, और उसके बाद अरेंज करके सब मैं रख दी हूँ उसको झाड़ पोछ के। उसके बाद ये जो सेक्शन है ना साइड वाला, इनके ऊपर दोनों में इनका सामान रहता है, तो ये ना मैं नीचे टिश्यू पेपर वगैरह भी छा देती हूँ, क्योंकि कई बार इनके ऑयल भी, जो हेयर ऑयल ये लगाते हैं ना, वो ऑयल रहता है नीचे, अगर टिश्यू पेपर होता है ना तो अगर थोड़ा भी गिरता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उसके नीचे वाले पे आ जाते हैं और इसकी भी मैं सफाई कर ले रही हूँ, डस्टिंग क्लीन जो भी करना है। और यहाँ पे स्पर्श का एक मामा अर्थ वाला लोशन है और साथ में इन मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मॉइस्चराइजर वगैरह, कॉम्ब वाला स्टैंड है। एंड उसके बाद मेरी यहाँ पे चीज़ें हैं तीन, ये मैं आपको दिखाई दी ना बहुत पहले, मैंने मंगाया था अमेजोन से, ये जो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी आ जाती हैं, जैसे लिपस्टिक या फिर सिंदूर वगैरह हो गया। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें अपनी ड्रेसिंग में अरेंज करती हूँ। तो इसकी भी मैं सफाई कर ली, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा करना नहीं था। और उसके बाद मैं आराम से नीचे बैठ गई हूँ और बस दिवाली की सफाई तो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी, इसके आगे कहीं पार्ट्स ये है। फिर मैं बिछाती हूँ टिश्यू पेपर और इसमें ज़्यादा मेरी चीज़ें नहीं रहती हैं, जैसे मेरे मेकअप वाले ब्रश वगैरह हो गए ना, वहीं सारी चीज़ें रहती है, तो ये सब मैं सेट करके रख दी हूँ। और इसी बीच में मुझे ना पेडिक्योर वाला मुझे किट मिल गया, तो मैं अपने नेल के मेरे को लगा ना कि अंदर जो नेल में गंदे नहीं गुजर जाते साइड साइड में, तो उसको भी मैं निकालने लगी थी। उसके बाद बस नीचे वाला सेक्शन जो है इसको भी मैं सही कर ले रही हूँ, और साइड वाले में बस थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, ज़्यादा नहीं, जैसे मेरे हेयर बैंड वगैरह रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं था। और मैं घर जाने से पहले एक बार साफ करी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, डस्ट वगैरह जो था वही मुझे हटाना था। ये एक मेडिसिन पड़ी हुई थी इसमें, तो इसको मैंने साइड कर दिया। और ये देखिए मेरा ये कंटूरिंग वाला जो है ना, ये टूट गया है, तो पता नहीं कैसे टूट गया, समझ में नहीं आता, लेकिन मैं देख रही थी अगर मैं इसमें से यूज करूँ तो हो जाएगा ना। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बारीक बारीक हो गया, ये तो ये खुद से हुआ होगा, नहीं तो स्पर्श किया होगा। दो ही चीज़ें मेरे साथ होती हैं, स्पर्श मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेकअप वाली चीज़ें बर्बाद करता है, फिर मुझे फिर से लेना पड़ता है यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको चेक कर रही थी लगा के कि मतलब कर पाऊँगी कि नहीं, हाँ एज अ कंटूरिंग कर लूँ। एंड गाइस ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, मतलब ये कल मॉर्निंग का क्लिप है। और यहाँ का आप मौसम देखिए कितना ज़्यादा एकदम क्लाउडी क्लाउडी हुआ है, ये सुबह जा रहे थे ऑफिस तब से ही है, और इतने सारे रोज़ इस बार हमारे घर में आए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद यहाँ पे मैं अभी कपड़े प्रेस करने लगी थी, नहा धो ली थी, और आज तो मौसम वैसे ही ठंडा था, यहाँ पे ठंडी की शुरुआत भी हो ही चुकी है, तो बस अब तो ना गीज़र चलाना पड़ता है, गर्म पानी से ही नहाना पड़ता है, हल्का सा गुनगुना। और मुझे यहाँ पे प्रेस करना था कुर्ती, मुझे आज कहीं जाना है, तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में ना पता चलेगा मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो बस मैं फटाक से यही कुर्ती मुझे दिखी ऊपर, मैं सोची कि चलो इसी को आज पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा डाल के जाना चाहिए था, मैं बाद में मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन कोई नहीं, चलो जो होता है ठीक होता है। तो ये सिंपल सी मेरी कुर्ती है और ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ ये बहुत कंफर्टेबल है, और ये मैंने अमेजोन से लिया था, लास्ट ईयर ली थी मैं, एंड इतना अच्छा है ना कि पूछो नहीं, एकदम फैब्रिक इसका एकदम कॉटन है, प्योर कॉटन है, कंफर्टेबल है, साथ ही साथ अगर आप वॉश करोगे तो कोई कलर भी नहीं निकलता है। तो इसको मैं अभी प्रेस कर ले रही हूँ, इसके नीचे ना मैं जैगिंग डालूंगी, जीन्स वाली जो डेनिम वाली मेरी जैगिंग है ना, वो मैं इसके साथ वेयर कर लूँगी। और स्पर्श को भी मुझे रेडी कराना है, स्पर्श को खैर मैंने मॉर्निंग टाइम में ही नहला दिया था, ब्रश कराने के बाद, फ्रेश होने के बाद उसको मैं नहला दी थी, उसको अभी हमें करना है ब्रेकफास्ट भी, तो मैं सोची पहले ये वाला जो काम है ना ये कर लेती हूँ। और नीचे मैंने एक चादर बिछा दिया, क्योंकि बेडशीट पर कई बार ना स्पर्श ने कलर वगैरह गिरा देता है, ये कल कपड़ा प्रेस कर रहे थे तो इनके कपड़ों में कलर लग गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर सोची कि स्पर्श को मैं खिला दूँ और मैं खा लेती हूँ, के बाद हम निकलेंगे। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ अभी रोटी और सब्जी, मॉर्निंग टाइम में जो इनके लिए बनाई थी वो सब्जी अभी है। बाहर ऐसा मौसम हुआ है ना आज का, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है ठंडी है, धुंध धुंध सी है। मैं बस रुकी हुई हूँ, बज गया है 11:05 हो गया है, मतलब मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है, 11 बज गया है। मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मेरा पार्सल आने वाला है, 2 पार्सल, ये क्या है, अच्छा मैं सोची ये क्या है, 2 पार्सल आने वाला है और साथ ही मेरी 2 रिटर्निंग भी है, तो उसी के लिए वजह से। और ऐसा नहीं है ना, जो नीचे भी मेरे ख्याल से कोई है नहीं, तो नीचे मैं बोल देती हूँ रिसीव करने के लिए, नीचे भी कोई नहीं है, देखती हूँ जाती हूँ फिर आऊँगी वापस, इसको लेके जा रही हूँ, फिर छोड़ के आना, फिर इसको लेके आना। मैं सोच रही थी ना कि पार्सल वाले भैया आ जाते तो फिर मैं ले लेती अपना पार्सल। कहाँ जाना है स्पर्श? आपको तो फ्रेंड, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने करवा चौथ की शॉपिंग। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी और कुछ मैं आगे
आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें मैं कुछ नेकलेस सेट वगैरह जो मेरे ब्यूटी रिलेटेड आइटम है ना वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस सबके लिंक ये सारे सामान है मेरे जो मैंने अभी मंगाए हैं, नेकलेस सेट वगैरह जो कि मैंने लास्ट हॉल वीडियो में मैं आपके साथ बताई थी कि मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं। ये लिपस्टिक हो गई, मेरा क्रीम हो गया जो कि मुझे लगाना है, कभी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना, सबके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ माई हॉल स्टोर का भी लिंक रहेगा, तो माई हॉल स्टोर पे आपको मेरे मैं जितनी भी अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ वो सारी शॉपिंग के जो लिंक है ना और मेरे कौन कौन से फेवरेट प्रोडक्ट है वहां आपको दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे एक नेकलेस सेट आपको दिखा रही हूँ जो कि जावेरी पर्ल्स ब्रांड का है, और इनके बहुत सारे मैंने नेकलेस, इयर रिंग्स, गले का सेट वगैरह सब कुछ मैंने पहले भी यूज कर रही हूँ, अभी भी मेरे पास है वो सारे, क्योंकि मैं जितने भी दिखाती हूँ वो मेरे पास रहते ही रहते हैं, बहुत सारे इतने सारे ढेर कलेक्शन हो चुके हैं मेरे पास। तो चलिए अभी इस करवा चौथ पे मैं क्या नेक पीस में डालने वाली हूँ चलिए दिखा देती हूँ। बाकी अभी तक जो मेरे लहंगा है वो स्टिच होके नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। चलिए कोई नहीं, देखती हूँ, नहीं होगा फिर कोई साड़ी वाड़ी डाल लूंगी, लेकिन जो मैंने नेकलेस मंगाए हैं वो, क्योंकि रानी के साथ आजकल ना ग्रीन कलर के भी काफी अच्छे लगते हैं, रेड के साथ, रानी के साथ, मतलब डिफरेंट आजकल चल रहा है, एकदम मैचिंग मैचिंग वाला बिल्कुल नहीं चलता है। अगर आपका कोई भी ड्रेस है, साड़ी है, लहंगा है, कोई भी, उसके डिफरेंट नेक पीस या फिर टीका जो भी चीजें ना वही आजकल ट्रेंड में है। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इसी तरीके से मुझे रिसीव हुआ था। इसके ऊपर एक और रैपर था बट मैंने उसको हटा दिया फिलहाल इस तरीके से। चलिए सबसे पहले ना इसका नेक पीस जल्दी जल्दी मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर ना लंबी हो जाएगी, मुझे वीडियो को लंबी नहीं करनी है। तो ये है एक ग्रीन एंड गोल्डन और थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का इसमें पर्ल लगा हुआ है, इसको ही मैं हाईलाइट कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये पीस है, लिए आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कितना आपको लूज रखना है या फिर थोड़ा टाइट रखना है। इसकी डिजाइनिंग बहुत सुंदर है, स्क्वायर शेप में दिया हुआ है, बीच में ग्रीन कलर का इसी तरीके से ये पर्ल लगा हुआ है, नीचे बीड्स लटके हुए हैं ग्रीन कलर के, एंड उसके बाद इसका इयरिंग इसका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके साथ हमें मिल जाता है झुमका, झुमके की डिजाइनिंग भी बहुत सुंदर है गाइज, ये चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर है। आप इसको चाहो तो अलग से आप कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हो, अगर आप कुछ हैवी कुर्ती मतलब पार्टी वगैरह शादी वगैरह में पहनते हो ना तो ये इयररिंग्स अलग से भी आप इसको डाल सकते हो। देखिए कितना सुंदर सा इसके झुमके हैं, झुमके हमारे ना ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, जैसे भी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे मैं इसमें से कुछ डाल सकती हूँ। साथ ही साथ मुझे मिल जाता है ये सुंदर सा टीका जो कि आप देख सकते हो, टीका थोड़ा सा छोटा है, जैसे करवा चौथ में अगर डालना है ना तो उसके अकॉर्डिंग छोटा है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके ही पहनूंगी, पूरा इसका सेट नहीं डालने वाली हूँ। और इस बहुत सुंदर है गाइस, अगर आप करवा चौथ पे इसको नहीं मंगा पा रहे हैं तो आगे और भी फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है, छठ पूजा है, तो आप उस पर भी, भाई दूज है तो उस पर भी पहनने के लिए मंगा सकते हो, बिकॉज करवा चौथ अभी 2 दिन है तो आपका आ नहीं पाएगा, तो आप आगे आने वाले फेस्टिवल के लिए ना मंगाओ, बहुत सुंदर लगेगा। ये है इसका रिंग, बहुत सुंदर सा रिंग है देख सकते हो, मतलब इसका ये मैं काफी टाइम से ना कार्ट एड टू कार्ट करके रखी थी, मंगा नहीं पा रही थी, मैं सोची कि नहीं अब करवा चौथ की शॉपिंग में मैं इसको मंगाऊंगी, तो ये पूरा सेट हो गया। उसके बाद मैं मंगाई हूँ एक लिपस्टिक, ये लिपस्टिक है रैनी का, रैनी की मेरे टोटल मेरे पास 12 लिपस्टिक थे बट वो सारे के सारे मेरे लिपस्टिक खत्म हो गए। ये वाला भी सेट था मेरे पास बट मैंने उसको उस टाइम पे यूज नहीं किया था, इस टाइम पे फिर मुझे जरूरत थी क्योंकि इसी कलर का मेरा लहंगा है। तो ये मैंने सेट नंबर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको रानी पिंक चाहिए, रानी पिंक मैजेंटा, तो आप ये वाला ना सेट ले सकते हो। और ये जो होता है ना रैनी की लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी होती है और आपकी लिप्स पे तो समझ लो कि 10 घंटे तक आपको टिकी टिकी रहेगी। सेट नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसका सेट नंबर जो है ना ये, सॉरी सेट नंबर नहीं है, इसका नाम है हॉट्स फॉर पिंक, इसका सेट का जो नाम है ना ये है, मैं खोली थी इसको, और ये वाला भी मैं ना हैंड पे लगाती हूँ तो फिर निकलता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको लगा के दिखा दे रही हूँ। देखिए ये वाला है, इसको डबल कोट में लगाऊंगी फिर जाके अच्छे से कलर इसका आएगा, रानी पिंक वाला जो कलर है ना वो फिर आएगा। तो ये मेरी लिपस्टिक हो गई रानी की, इसका छोटा साइज मैं ढूंढ रही थी कि छोटा साइज ज्यादा मुझे सही लगता है लिपस्टिक का, क्योंकि ना फिर वो 3 से 4 महीने चलते हैं और ये वाला खत्म ही नहीं होता और फिर ये सूखने के कगार पे आ जाता है, तो इसलिए, लेकिन बड़ा ही इसका मुझे मिला, छोटा वाला पैक नहीं मिला। वैसे रानी का ना छोटा वाला भी आ गया है, तो अगर आपको इतना प्राइस में नहीं लेना है, 150 के आसपास रानी का छोटा वाला मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो।
और इसका मुझे रेड कलर भी एक मंगाना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मैं लिए, क्योंकि मेरे इसमें ना बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा मैं चल नहीं पाती हूँ मॉर्निंग टाइम में। एंड मॉर्निंग टाइम में क्या अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं दिन में भी चलना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं सोची कि ना ये मैं हील्स वाला जो ये सिलिकॉन का कवर आता है ना, इसको मैं मंगा के ट्राई करती हूँ। तो इसका मुझे दो सेट मंगाई थी, एक मैंने ट्राई कर, एक मैंने पहना है और ये एक अभी न्यू है। लेकिन गाइस इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, रिव्यू रेटिंग देख के ही मैंने इसको परचेज किया था, बट एक मेरा ना दो दिन में ही पता नहीं कैसे फट गया। एक है एक पेयर का ना एक फट गया एकदम, मतलब दो दिन में ही पता नहीं कैसे हुआ। और ये वाला न्यू है तो मैं सोची कि चलो आपके साथ दिखा देती हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर आपको शूज के अंदर भी पहनना है तो आप इसको पहन सकती हैं, लेकिन मेरा एक टूट गया तो मैं जो भी चीजें हैं मैं आपके सामने बता देती हूँ कि हाँ एक मेरा आराम से मतलब ऐसे की ना बस वो फट गया। तो पता नहीं, हो सकता है कि वो जो पीस होगा वो डिफेक्टिव होगा इसी वजह से ऐसा हुआ, बाकी मैंने तो देख के ही मंगाया था। आज मैंने मंगाया है एक मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक के साथ। ये वाला क्रीम जो है ना ये आता है और मेड सेफ है ये, और ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। कई बार ना मैं मेकअप जब करती हूँ ना तो मॉइस्चराइजर की जगह पे मैं इस टाइप की क्रीम लगाती हूँ जब मुझे सनस्क्रीन नहीं लगाना है। तो ये जो विद SPF के साथ आता है और इसका फेस वॉश मैं टर्मरिक एंड विटामिन सी वाला फेस वॉश भी यूज करती हूँ। सो मैंने ये वाला क्रीम अपने लिए ऑर्डर किया था, देख सकते हैं। बहुत बड़ा मुझे साइज नहीं मंगाना था, ओनली 20 ग्राम वाला साइज है, तो मैं इसीलिए ये फिर ना मेकअप किट में रखने में ना ये इजी हो जाता है, हमें कहीं भी लेके भी जाना है तो आराम से हम इसको रख के लेके जा सकते हैं। जो कि आप देख सकते हैं ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, 800 के आसपास पड़ा है। हाँ, इसकी प्राइस मैं आपको नहीं बताई थी, ये भी आई थिंक 650 और 700 के आसपास ही है। लेकिन आपको ना मेरे लिंक के थ्रू आप लोग जाएंगे तो आपको ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग प्राइस चेक कर लेना, कई बार कम भी हो जाता है अगर लिंक के थ्रू आप लोग जाते हो तो। और ये जो है ये मुझे इसका ना 3995 है, बट मुझे ना ये 750 या 800 के आसपास मुझे पड़ा, एग्जैक्ट मुझे प्राइस याद नहीं है। तो ये ना लॉन्ग नेकलेस है, ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा जाता है एंड लहंगे के साथ भी अच्छा जाता है। रिंग्स है और रिंग है, इसके साथ टीका नहीं मिलता है बिकॉज इसके साथ टीका अच्छा भी नहीं लगता है। तो नहीं थी तो उसके साथ एकदम खाली खाली से लगेगा, मंगलसूत्र अपन डालते ही है बट ये वाला लॉन्ग वाला भी रहना चाहिए, इसलिए मुझे दो सेट मंगाना पड़ा था डालने के लिए। तो ये एक ग्रीन कलर का सेट है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर सा है, काफी शाइनिंग है एंड इसमें व्हाइट एंड ग्रीन कलर के कुछ पर्ल्स भी लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। या पूरी आप डिजाइनिंग, अगर आप सिंपल से भी साड़ी पहनते हो ना और उसमें अगर आप ये एक बस डाल लोगे और कुछ भी नहीं, चोकर वगैरह मत डालो, बस ये वाला डालो, बहुत ज्यादा सुंदर लुक आएगा। एंड यहाँ पे इसमें जो धागा दिया हुआ है ये एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कितना लंबा रखना है कितना छोटा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके अपने नेक में डालो। ये है रिंग, ये भी बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि ग्रीन अगर मैं नेक पीस डालूंगी तो मुझे ग्रीन रिंग भी पहनना पड़ेगा, कुछ बैंगल्स वगैरह भी पहनने पड़ेंगे, तो वो सभी मैंने मंगाया है। ये है इसका रिंग, ये है इसका इयररिंग्स भी बहुत सुंदर है, आप इसको अलग से सूट वगैरह पे भी डाल सकते हैं। साड़ी के साथ जब आप ये वाला नेक पीस डालो ना तब ये वाला इयररिंग्स बहुत सुंदर लगेगा। ये आप देख सकते हो, नजदीक से मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको, देख सकते हैं इसके डिजाइनिंग, एंड दूर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड गाइस उसके बाद एक और मैंने मंगाया है, जीवा का मैंने मंगलसूत्र मंगाया है। पैकेजिंग तो इसकी ऑसम होती है, तो इसका मंगलसूत्र भी मुझे आई थिंक ये 2000 के आसपास पड़ा है। बहुत सुंदर सा पीस है ये वाला, गाइस आपको मैं दिखा देती हूँ, एंड ये खराब भी नहीं होता है, अगर आप ले लोगे ना बेफिक्र होके ले सकते हो, अगर आप इतना मतलब बहुत सुंदर लगता है देख सकते हो। तो ये थी मेरी करवा चौथ की ब्यूटी, मतलब ब्यूटी रिलेटेड समझ सकते हो, फैशन से तो नहीं था, मतलब फैशन ब्यूटी दोनों आप समझ सकते हो। ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग, जो मुझे जैसे लिपस्टिक हो गई, ये सारी चीजें नेकलेस वगैरह सब मुझे करवा चौथ के दिन डालना है। तो आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग, आगे मैं आपके साथ और भी कुछ जो मैंने दिवाली के लिए शॉपिंग करी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं फटाफट से।